हेलो प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास ट्वेल्थ का पहला लेक्चर, पहला टॉपिक, पहला चैप्टर जिसका नाम होता है फंक्शन। बहुत ही बेसिक है, ये बिल्कुल बेसिक चैप्टर है। इसको अगर आपने पहला फंक्शन आपने पढ़ लिया, ठीक से समझ लिया, इसकी चीजों को क्लियर कर लिया, तो आपको आगे आने वाले हर चैप्टर, चाहे वो लिमिट हो, चाहे कंटिन्यूटी हो, चाहे डिफरेंसिबिलिटी हो, चाहे आपका मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन हो या एओडी हो, इवन इंटीग्रल कैलकुलस में डेफिनेट इंटीग्रल की बातें तक आपको बहुत ईजी हो जाएंगी इस चैप्टर को समझ लेने से। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। इसमें जो भी चीजें होती है आपको इस चैप्टर को पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसको सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा लंबा समय भी लगेगा सीखने में, लेकिन एक बार अगर आप ये चैप्टर सीख गए तो गारंटी है कि आपको पूरा कैलकुलस, ये कैलकुलस का, दिस इज द बैकबोन ऑफ कैलकुलस, ये रीढ़ की हड्डी है कैलकुलस का, अगर आपने इसको ठीक से समझ लिया, इसके हर एक चीज, इसमें कुछ कुछ चीज ऐसी होती है जहां पे आदमी थोड़ा सा गायब कर देता है, नहीं पढ़ता है, तो भी आपको अगर आपने हर एक चीज सीख लिया, एक एक बात क्लियरली सीख ली, कई बार हो सकता है कि आपसे कुछ चीजों में गड़बड़ी हो सकती है कि सर ये बात नहीं समझ आई, लेकिन उसको रिपीटेडली सीखने की कोशिश करो। जब आप सीख लेंगे ये चैप्टर तो आपको आगे के आने वाले हर चैप्टर में आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी, ये आपका गारंटी है। आप मेरे साथ साथ बने रहना, पूरे टाइम बने रहोगे तो आपको सीखने को बढ़िया मिलेगा। अब फंक्शन में पहला चैप्टर, फंक्शन में हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली बात, क्लास इलेवेंथ की कुछ बातें हम रिवाइज कर देते हैं। क्लास इलेवेंथ में हमने क्या क्या पढ़ा था उसको जरा आप रिवाइज कर देते हैं। ये भी एक और बात है कि ये चैप्टर आपके आईआईटी या आपके जेई मेन या एडवांस के पर्पस से जितना इंपॉर्टेंट है उसके ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी चैप्टर को समझने के लिए। जेई मेन्स एडवांस में सवाल इससे आ भी सकता है, नहीं आ सकता है, जरूरी गारंटी नहीं है कि मतलब ऐसा पैटर्न नहीं है कोई कि इससे सवाल आया ही है या इससे सवाल हर साल आता ही है, पर इसके बिना फंक्शंस को तोड़ के लिखना, फंक्शन को लिखना या कुछ और जैसे डिफरेंसिबिलिटी पूछ रहा है और डिफरेंसिबिलिटी में मॉडुलस लगा दिया, सिग्नम लगा दिया या उसमें कुछ ऑड इवन डाल दिया या कुछ आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टी का कुछ यूज कर लिया, ये सब चीजें इस चैप्टर से सीखते हैं और उधर सब कहीं भी यूज करवाता है अपन यूज करते हैं। इसलिए जरूरी है ये सिर्फ जेई मेंस और एडवांस के ही पर्पस से नहीं, आपको सीखना रहेगा ये चैप्टर कि हम सीख लेंगे तो हमको कोई भी चीजें कहीं भी होगी तो दिक्कत नहीं आएगी। तो आओ हम स्टार्ट करते हैं, पहले कुछ क्लास इलेवेंथ की चीजें, क्लास इलेवेंथ की चीज थोड़ा सा रिवाइज कर दो। अगर रिवाइज कर दो तो आपने क्लास इलेवेंथ में पढ़ा होगा। पहली बात अगर मैं लिखूं तो पहली बात यही आपकी हो जाएगी कि जो आपका किसी भी नंबर का स्क्वायर, किसी भी नंबर की पावर 4, किसी भी फंक्शन का पावर 6 या किसी भी नंबर का इवन पावर ऑलवेज होता है पॉजिटिव। ऑलवेज कैसा होता है ये? पॉजिटिव, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव होता है। सेकेंड चीज, जैसे आप जान सकते हो जैसे कि -3 की पावर 4 भी पॉजिटिव होता है, 3 की पावर 4 भी आपका पॉजिटिव होता है। हमेशा किसी भी नंबर का किसी भी फंक्शन की पावर इवन कर दिया है तो आपका ये हो जाएगा पॉजिटिव। सेकेंड चीज अगर मैं कहूं कि एक्सपोनेंशियल टर्म, जैसे मान लो मैंने लिखा कि 2 की पावर x, 3 की पावर x, 7 की पावर x, e की पावर x, a की पावर x, ये सब भी हमेशा पॉजिटिव होते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव। अच्छा, एक बात मैं इन दोनों में इंक्लूड करना चाहूंगा बेसिकली कि जो ये वाला पॉजिटिव है ना, इस पॉजिटिव में 0 इंक्लूड है, मतलब इसकी वैल्यू 0 भी होती है, 0 इंक्लूडेड। लेकिन आपका यहां पे जो है ना, यहां पे 0 इंक्लूड नहीं होता है, 0 एक्सक्लूड होता है, 0 इसकी वैल्यू कब भी नहीं हो सकती है। आपका a की पावर x, 3 की पावर x, सबकी वैल्यू 0 नहीं होती है, 0 से आगे होगी, इसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी, मतलब हम इसको कह सकते हैं ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, इसको कह सकते हैं सिर्फ ग्रेटर देन 0। बात समझ में आई? तीसरे नंबर की बात पे आते हैं, क्लास 11 में फिर से पढ़ा होगा हम सब ने कि मॉडुलस फंक्शन जो होता है वो इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो पूछोगे सर कौन सा वाला पॉजिटिव, 0 इंक्लूडेड वाला या 0 एक्सक्लूडेड वाला? तो आपने देखा होगा ये 0 इंक्लूडेड वाला होता है, यानी यहाँ पे आपका 0 इंक्लूड होता है, यानी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता है। चौथे नंबर पे अगर मैं आ जाऊं कि अंडर रूट जो होता है ना, अंडर रूट भी हमेशा ऑलवेज कैसा होता है, पॉजिटिव। सर बिना 0 वाला या
जीरो वाला, विदाउट जीरो वाला, जीरो इंक्लूडेड वाला ये भी होता है, यानी जीरो इसकी वैल्यू संभव हो सकती है। तो क्या इसका मतलब, जैसे कि क्या इसका क्या मतलब हुआ सर, हमने तो हमेशा जैसे मान लो आया कि अंडर रूट 16 की वैल्यू क्या होगी, तो आप प्लस माइनस 4, आप कहोगे सर प्लस माइनस 4 हमने तो हमेशा किया है, पर ये गलत है। अंडर रूट 16 की वैल्यू, अंडर रूट 16 की वैल्यू सिर्फ प्लस 4 होगी। तो सर इसका मतलब जब हम पढ़ते थे एक्स स्क्वायर बराबर 16, क्या ये हमने गलत पढ़ा था क्या कि यहाँ पे x बराबर आपका प्लस माइनस 4, क्या गलत पढ़ा था क्या, यानी आपने इसकी वैल्यू x माइनस x इक्वल टू प्लस माइनस 4 गलत लिखा था, या ये सही था ये गलत है? तो बेटा ये भी सही है, ये भी सही है। यहाँ पे यहाँ देखो सिर्फ अंडर रूट है, स्टिल अंडर रूट की वैल्यू 4 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 है, दिस इज द इक्वेशन, और इसको लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। यानी इसको अगर फैक्टराइज करें तो x माइनस 4 x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यानी यहां से x बराबर आपका आया 4 या x बराबर आया माइनस 4। या सेकेंड तौर पे अगर हम कहें कि और क्या इसके बाद इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो x स्क्वायर बराबर अगर 16 लिखा है ना, तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रूट 16, और रूट 16 की वैल्यू होती है 4, तो ये हो गया तब प्लस माइनस 4। ये एक तरीका, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। मतलब अंडर रूट हमेशा कैसा क्वांटिटी होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। अब कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी का मैंने लिस्टिंग कर दिया, कुल मिलाकर 4 हमने लिस्टिंग किया कि किसी भी फंक्शन की पावर इवन पॉजिटिव होता है। आपका एक्सपोनेंशियल टर्म, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल टर्म, देखो 2 की पावर x, 3 की पावर x, 7 की पावर x, सब एक्सपोनेंशियल टर्म है। e की पावर x, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो भी पॉजिटिव होते हैं, मॉडुलस फंक्शन भी पॉजिटिव होता है, अंडर रूट वाला फंक्शन भी पॉजिटिव होता है। ये सर इसका ये वाला जीरो इंक्लूडेड है कि एक्सक्लूडेड है, तो ये भी इंक्लूडेड वाला है। आगे अभी और सारे आएंगे, जैसे कॉस इनवर्स एक्स के बारे में हम कह सकते हैं कि वो भी आपका पॉजिटिव फंक्शन है, सेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, ऐसे हम बहुत सारे फंक्शन पढ़ेंगे जो कि पॉजिटिव, उन सब की लिस्टिंग हम करते जाएंगे, आपके सामने रखते जाएंगे। जैसे आपका फंक्शन आएगा ग्रेटेस्ट, ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये भी आपका पॉजिटिव होता है, उन सबकी एक साथ हम इकट्ठा करके लिखते जाएंगे। वजह ये है क्योंकि जो अगली बात मैं लिखने वाला हूं वो जब उस तरह की बात बनेगी तो हम फटाफट वहां फंसाएंगे, आंसर लगाएंगे। जैसे आपका चौथे के बाद पांचवे नंबर पे बात करो कि सर जी इतना सब हम क्यों पढ़ रहे हैं लिस्टिंग, तो हम पढ़ेंगे सम ऑफ 2 आर मोर पॉजिटिव फंक्शन इफ सम ऑफ 2 आर मोर पॉजिटिव फंक्शन इज इक्वल टू 0, देन दे आर इंडिविजुअली 0, they are individually zero। क्या कहने का मतलब है कि जैसे कहीं आपका आया mod u plus under root v plus w का square equal to 0। अच्छा एक और बात है, ये सारे जीरो वाले फंक्शन है, ये सारे ये मोर पॉजिटिव फंक्शन का मतलब, इस पॉजिटिव फंक्शन का मतलब जीरो इंक्लूड ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 वाला फंक्शन चाहिए। ग्रेटर देन आर इक्वल टू मतलब जिसमें इंक्लूजन हो जीरो का, जैसे मॉडुलस हो गया, अंडर रूट एक्स अंडर रूट वाला हो गया, स्क्वायर वाला हो गया, अगर इन सबका सम जीरो है तो ये तभी पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है, पॉसिबल ओनली वेन ये अलग अलग जीरो हो जाए, मतलब u बराबर 0 हो जाए एंड v बराबर 0 हो जाए एंड w बराबर 0 हो जाए। खास बात है एंड मैं लिखा हूं, एंड का मतलब होता है सब में कॉमन होगा वही लिया जाएगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, अगर ध्यान से देखें, अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूं इसका, तो एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा कि अंडर रूट एक्स मॉडुलस में एक्स माइनस वन प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू 0, फाइंड एक्स, आपको पूछ लिया कि एक्स की वैल्यू बता दो भाई, एक्स की वैल्यू बता दो। अगर हमें एक्स की वैल्यू बतानी है यहाँ पे, तो आप क्या करोगे कि आप या तो इनको इसको उधर भेजो, स्क्वायरिंग करो, सॉल्व करने लगो, फिर जो भी इक्वेशन बनेगी उस इक्वेशन को सॉल्व करो, फिर आंसर ले आओ, या दूसरा काम आप क्या करोगे कि सर ये एक पॉजिटिव फंक्शन है, ये भी एक पॉजिटिव फंक्शन है, दो पॉजिटिव फंक्शन का सम जीरो है, तो ये कह रहा है कि अलग अलग जीरो हो जाएगा, मतलब ये तीनों अलग अलग जीरो हो जाएगा। दिस इंप्लाई बाय प्रॉपर्टी बाय थ्योरम x माइनस वन इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू 0।
यहां से x इज इक्वल टू वन आया, यहां से x इज इक्वल टू आपका कितना है बच्चों, प्लस माइनस वन। आंसर क्या लिखेंगे, कॉमन वैल्यू आंसर लिखेंगे, कॉमन वैल्यू आपका आंसर हो जाएगा। जरा बताओ तो कॉमन वैल्यू कितना है दोनों में, कॉमन वैल्यू यहां पे एक है, यहां पे प्लस माइनस वन, दोनों जगह एक वन कॉमन वैल्यू है, तो x इज इक्वल टू वन इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह की चीजें जब भी आएंगी तो हम ये पढ़ेंगे, इसीलिए पांच पॉइंट है कि हम इनको बता सकें कि कौन सा फंक्शन आपका कैसे यूज करेंगे, इन सम ऑफ पॉजिटिव फंक्शन रहेगा तो यूज कैसे करेंगे। जरा फटाफट आप नोट करें, तब तक मैं आपको अगली प्रॉपर्टीज की लिखाता हूं। इसी कंटिन्यूएशन में आप ये x की वैल्यू निकालने के कंटिन्यूएशन में मैं आपको एक और छोटा सा मैं टूल देता हूं, एक और आपका कंपैरिजन, एक और टूल होता है कंपैरिजन, यानी आप कंपेयर करके छठे नंबर पे अगर मैं लिखूं कंपैरिजन, कई बार ऐसा आएगा कि हम फटाफट कंपैरिजन करके, यानी इस टूल का, ये सिर्फ एक मैथमेटिकल टूल है ये वैल्यू निकालने के लिए, कि हम फटाफट कंपैरिजन करके हम x की वैल्यू ढूंढ लेते हैं। जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है तो इसको कई बार हम बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड भी, इसको कई बार हम बोलते हैं कि आपका कंपैरिजन कर रहे हैं या हीट आप ट्रायल मेथड लगा रहे हैं, ये भी कई बार यूज करते हैं इस तरह से। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे मान लो लिखा हुआ है x इंटू ई की पावर y इज इक्वल टू वन, फाइंड x एंड y। तो देखो क्या करेंगे, कैसे कंपैरिजन करेंगे, देखो ये x है इंटू ई की पावर y है, अगर ऐसे ही इधर भी कुछ रहता, e कहीं रहता तो काम बन जाता। देखो तो e की पावर जीरो कितना देगा, वन देगा, वन से हमने मल्टीप्लाई कर लिया तब तो फाइनली मिलकर वन है। अब कंपैरिजन करने लायक है, देखो तो कंपेयर करो, तो कंपेयर करने से अपने को मिला x इक्वल टू वन एंड y इक्वल टू जीरो, बस बात समझ में आई, डायरेक्ट वैल्यू आ गई। जैसे कुछ और मैं लिखता हूं, जैसे मान लो लिखा मैंने फाइंड अल्फा इफ अल्फा प्लस वन x, अल्फा प्लस वन x प्लस x इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अगर ऐसा लिखा है तो कैसे निकालेंगे, क्या यहां पर सी आपका ये चीज दे रखा है तो कैसे कंपेयर करेंगे, फटाफट अपन लोग कंपेयर कर लेंगे, एक्स का कोफिशियंट अलग कंपेयर कर लेंगे, कोफिशियंट ऑफ एक्स अलग कंपेयर कर लेंगे, राइट साइड में है अल्फा प्लस वन, लेफ्ट साइड में है आपका वन, अब ये वन से वन कट गया, अल्फा की वैल्यू हो गई जीरो, एंड कोफिशियंट ऑफ जरा एक्स स्क्वायर कंपेयर कर लिया जाए तो राइट साइड में है, जहां नहीं है वहां कोफिशियंट जीरो होता है, जहां एक्स स्क्वायर मतलब जो टर्म नहीं प्रेजेंट होता है तो उसका कोफिशियंट एक्स स्क्वायर जीरो होता है, क्योंकि यहां पे मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ये प्लस जीरो इंटू एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, मैं ऐसा लिख सकता हूं कि जीरो इंटू एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो जब नहीं होता है कोई टर्म प्रेजेंट नहीं होता है तो उसका कोफिशियंट होता है जीरो, तो लेफ्ट साइड में हो गया जीरो, राइट साइड में आपका हो गया अल्फा, अल्फा इक्वल टू जीरो, दोनों में कॉमन वैल्यू क्या आ गई, कॉमन वैल्यू आपकी हो गई अल्फा इक्वल टू जीरो इज द आंसर। बोला बात समझ में आ रही है कि कंपैरिजन कैसे टूल करते हैं, ये कंपैरिजन का टूल है कि आपको क्या करना है कि इस तरह की चीजें दिखेगी तो कई बार हम कंपेयर कर लेंगे, जैसे साइन यहाँ पे साइन रहा, यहाँ पे साइन रहा, कुछ यहाँ पे रहा, तो हम कंपेयर करके आंसर निकाल लेंगे। बात समझ में आ रही है, जरा नोट करो, तब तक हम फटाफट आगे वाला पार्ट करते हैं। छठे नंबर के बाद सातवें नंबर पे आते हैं, सातवें नंबर पे मैं कुछ बातें आपसे पूछ रहा हूं, सपोज की क्लास इलेवेंथ की बातें भी पूछ रहा हूं स्टिल, जैसे मान लो मैंने आपसे पूछा कि जरा हमको ग्रेटर देन और लेस देन का साइन लगाना है, छोटी छोटी बात पूछ रहा हूं, जैसे मैंने कहा कि 7 greater than 3 क्या ये सही है कि गलत, ट्रू या फॉल्स, जवाब आपका, सवाल मेरा जवाब आपका, क्या है ये, सबका जवाब है ट्रू। फिर मैंने बोला 7 greater than 8 जवाब आपका, बोलो ट्रू और फॉल्स, आपका जवाब 7 8 से बड़ा है क्या, नहीं सर इस बार फॉल्स हो गया, ट्रू नहीं है।
फिर मैंने पूछा 7 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7, जवाब आपका बोलो क्या 7 7 से बड़ा। देखो पढ़ो, पढ़ने में क्या है, पढ़ने से ही चीजें निकल के आ जाएंगी। 7 ग्रेटर देन और इक्वल टू, और आर का मतलब होता है कि जितने सेंटेंसेस के बीच में आर लग रहे हैं उनमें से कोई एक भी सही हो जाए तो चीज सही हो जाती है। तो 7 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7 मतलब 7 7 से बड़ा या बराबर है, तो बराबर है इसलिए ट्रू फॉल्स में से ट्रू हो गया। छोटी छोटी बात बस आपके सामने रख रहा हूं मैं यहां पे। फिर मैंने लिखा 7 लेस देन आर इक्वल टू 7, बोलो ट्रू और फॉल्स। फिर से आप पढ़ेंगे 7 7 से बड़ा या छोटा, या छोटा तो या आया और बराबर है तो ये हो गया 7 7 से छोटा या उसके बराबर, तो ये इस बार उसके बराबर है तो हम कहेंगे बिल्कुल ट्रू है। हम लिखेंगे 7 लेस देन आर इक्वल टू 9, बताओ ये कह रहा है कि 7 इज लेस देन आर इक्वल टू 9 मतलब 7 9 से छोटा हो या उससे बराबर हो, तो इन दोनों में से एक बात तो सही है कि छोटा तो है, तो ये हो जाएगा ट्रू। ऐसे ही मैं लिख रहा हूं फिर से 7 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, क्या ये सही है कि गलत, तो बराबर नहीं है पर बड़ा है तो फिर से लिखेंगे ट्रू। ये छोटी छोटी बातें हैं कि कहां पे आपका समझना है, कहां पे ट्रू लगेगा कहां पे फॉल्स लगेगा, यानी कौन इसके बराबर होगा कौन इसके बराबर नहीं होगा। अच्छा इसी में मैं थोड़ा सा जगह है तो इसका यूज कर लेता हूं मैं। सातवें एक बार 8वें नंबर पे मैं आ जाता हूं। हम लोगों ने बहुत बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ा होगा क्लास 11th में। यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बस विशेष बातें ध्यान देनी है अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में खास बातें जिसको कि आपको जानना चाहिए कि क्या चीजें हमने 11th में पढ़ा था। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पूरी की पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव होती है तो केस क्या बनता है, कंडीशन क्या होती है इसकी, कौन पूरी पूरी की पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर पॉजिटिव है तो ये तभी की कंडीशन ये है कि जो इसका ए है ये पॉजिटिव एंड जो इसका डी है डी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ये निगेटिव होना चाहिए। क्या ए पॉजिटिव और डी निगेटिव, जरा और सेकेंड नंबर की बात कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निगेटिव है, सुनना क्या लिखा गया है भाई। देखो ये वाली बात इसलिए खास है ना कि ये यहाँ पे खूब यूज होता है, पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निगेटिव या पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव। अगर निगेटिव है तो इसकी कंडीशन कौन है, कंडीशन आपका यह है कि ए आपका निगेटिव एंड जो डी है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी निगेटिव। आप इन दोनों को जरा ध्यान से देखें, दोनों को ध्यान से देखें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका निगेटिव या पॉजिटिव है इसके बारे में कौन डिसाइड कर रहा है, तो ए का साइन। अगर ए पॉजिटिव तो क्वाड्रेटिक पॉजिटिव, अगर ए निगेटिव तो क्वाड्रेटिक निगेटिव। बट सर क्या हमेशा ये डिसाइड करेगा, नहीं हमेशा ये डिसाइड नहीं करेगा, ये तब डिसाइड करेगा, ये तब अपना काम पे आएगा जब डी निगेटिव आपका हो चुका होगा। यानी जब भी, यानी आपको क्या करना है भाई, मैं हिंदी में लिखता हूं कि आपको क्या करना है, करना क्या है जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखेगा तो क्या करना है भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर पॉजिटिव हो या क्वाड्रेटिक इक्वेशन निगेटिव हो इसके बारे में पता करना हो तो पहले डी निकालने, पहले डी फाइंड करें, पहले डी अगर निगेटिव आ गया, डी क्या आ गया निगेटिव आ गया, डी निगेटिव आ गया, अगर ये निगेटिव आ गया देन ए साइन, देन ए साइन ऑफ ए, देन साइन ऑफ ए डिसाइड डिसाइड साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताएगा कि ये पॉजिटिव होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या निगेटिव होगी। अगर ए निगेटिव होगा तो पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निगेटिव, यानी इसका मतलब यह होता है कि x की कोई भी वैल्यू डालेंगे ना तो निगेटिव वैल्यू आएगा, x की कोई भी वैल्यू डालेंगे तो निगेटिव देगा, या अगर a पॉजिटिव तो x की कोई भी वैल्यू डालो हमेशा यह पॉजिटिव आएगा। बात समझ में आ रहा है, तो यह कहलाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। जैसे अगर मैं छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं एक, जैसे आपके सामने मैंने लिखा कि कोई एक फंक्शन मैंने ले रखा हूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। देखो
इसका सबसे पहले ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव, इसके बारे में पता करने के लिए डी निकालेंगे। डी आपका आएगा माइनस बी का हो स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए की जगह पे वन, सी की जगह पे वन, ये आपका माइनस थ्री आया, डी आ गया निगेटिव। डी निगेटिव आते ही आपका इसके डिसाइड कौन करेगा, ए की वैल्यू वन पॉजिटिव, तो पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब एफ एक्स की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, ऑलवेज रहेगी, ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी। आप निकाल के देख लो जो मर्जी वन, एफ ऑफ माइनस फाइव मान लो मैंने रख दिया एफ ऑफ माइनस फाइव रखते ही पच्चीस माइनस पांच प्लस वन दिख रहा होगा पॉजिटिव, एफ ऑफ माइनस वन रख दिया तो ये हो गया वन माइनस वन प्लस वन पॉजिटिव दिख रहा है। आपको कोई वैल्यू रखोगे आपकी पॉजिटिव मिलेगी। आपके मन में सवाल उठ सकता है कि सर अगर डी पॉजिटिव आ गया तो क्या कहेंगे, डी पॉजिटिव आते ही उसके दो रूट होते हैं, ऊपर की तरफ ग्राफ बनेगा नीचे की तरफ ग्राफ बनेगा, निगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यू क्वाड्रेटिक की होती है, हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि पूरी पॉजिटिव है कि पूरी निगेटिव है, उसके लिए वो एक्स की वैल्यू देखना पड़ेगा कि वो एक्स कौन सा एक्स है जिसके लिए आपकी वैल्यू देने वाला है। इसलिए यहां पे जो बात की गई है सिर्फ पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव या पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निगेटिव के बारे में बात की गई है। बात समझ में आई, सिर्फ इसी के बारे में बात की गई है कि पॉजिटिव और निगेटिव होगा तो क्या देगा। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और हम इसको नाइन्थ नंबर पे बात करेंगे। नाइन्थ नंबर होता है इंटरवल। इंटरवल अगर मान लो कि मैं इंटरवल के बारे में बात करूं, क्लास कक्षा 11 में आपने काफी पढ़ा है इंटरवल के बारे में। दो तरह का होता है इंटरवल, क्या क्या, एक ओपन इंटरवल होता है और एक होता है क्लोज इंटरवल। सर जी इनका मतलब क्या होता है ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल का? तो बेटा ओपन इंटरवल का मतलब होता है ना कि ये कौन सी बातें, पहले थोड़ा सा इसका हल्का सा आपको क्लास सब कक्षा 11 में आपने पढ़ा है, पहले डिनोट करते हैं ऐसे, यहां कहीं लिखा है ए कामा बी, तो इसका मतलब होता है कि ऑल रियल नंबर बिटवीन ए एंड बी ए और बी के बीच में सभी रियल नंबर एक्सक्लूडिंग ए एंड बी, यानी ए और बी को इंक्लूड नहीं करना है, छोड़ देना है। जैसे अगर मैं लिखूं कभी कि 1 से लेके 2 के बीच में, तो नंबर लाइन पे आपका कहीं 1 होगा कहीं 2 होगा, तो इनके बीच की सारी नंबर्स 1 और 2 को छोड़ के, और इसको छोड़ने का नोटेशन होता है दर्शाने का, या हम अपने लिए ऐसा करते हैं 1 और 2 पे आपको व्हाइट सर्कल या ऐसे खाली गोला लगा देते हैं ताकि हमको हमारा पहचान में रहे कि 1 और 2 को इंक्लूड नहीं करना है। अगर यही बात होता है दूसरा क्लोज इंटरवल का क्या मतलब है, ये डिनोट किया जाता है ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट से ए कामा बी, और इसका मतलब होता है ऑल रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी इंक्लूडिंग ए एंड बी ए और बी को इंक्लूड करते हैं, जैसे 1, 2 ऐसे लिखा हुआ है ऐसे क्लोज इंटरवल, तो रियल लाइन पे कहीं 1 होगा कहीं 2 होगा, और इनको ये हमारे नंबर इंक्लूड है और इनके बीच का सारा, तो इसको दिखाने का तरीका होता है ए से 1 से लेकर 2 के बीच में 1 और 2 पे डार्क सर्कल लगाते हैं, इसको पेन से थोड़ा सा डार्क कर देते हैं ताकि पहचान बनी रहे कि इन दोनों को इंक्लूड करना है, तो इनको इंक्लूड करते हुए कई बार इसको क्लोसेट क्लोज ओपन क्लोज दोनों मिला के इसका कंडीशन बनती रहती है। जैसे मान लो कि कभी आपका 1 और 2 ऐसे लिखाया, इसका मतलब हुआ कि 1 से 2 के बीच की सारी नंबर और 1 को शामिल करना है इंक्लूड करना है, 2 को इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि ओपन जहां पे ओपन लगेगा उसको इंक्लूड नहीं करना होगा, तो 1 से 2 के बीच की सारी नंबर जिसको 1 को इंक्लूड करना है 2 को इंक्लूड नहीं करना है। आपका कभी ऐसे 1 से लेकर 2 के बीच में ये बनेगा तो 1 से 2 के बीच की सारी नंबर, बट इस बार 1 को इंक्लूड नहीं करना, किसको इंक्लूड करना है 2 को। अगर मान लो कि 1 से ज्यादा आपका नंबर्स को एक साथ लिखना हो तो इसको लिखने का तरीका होता है यूनियन, जैसे मैं लिखा 1 से 2 यूनियन 3 से
फोर। तो इस पूरे को देखो लिखने का कैसे नंबर लाइन पे दर्शाएंगे, यहाँ पे देखो यहाँ कहीं वन, यहाँ कहीं टू, यहाँ कहीं थ्री, यहाँ कहीं फोर, लिखा है वन से टू, वन को शामिल नहीं करना है, टू को शामिल नहीं करना है, वन से टू के बीच में सारा ऐसे ये वाली जो लाइन ये बता रही है कि इनके बीच में सारा हम चले हैं, वन से लेकर टू तक सब कुछ लेना है वन और टू को छोड़कर। दूसरा तीन पे क्लोज लगाया तो क्लोज लगा दिया, चार पे ओपन लगा तो ओपन, इनके बीच की सारी नंबर, ऐसे नंबर लाइन पे दिखाने का ये तरीका हुआ। ये तो बात हुई इंटरवल के बारे में, इंटरवल अच्छा आ जाए। इंटरवल के बाद अगर हम छोटा सा आपको फार्मूला दे दें, एक दो कुछ फार्मूला मैं लिख देता हूं नाइन्थ नंबर पे, बहुत ही काम के कुछ फार्मूले लिख देता हूं फटाफट, फार्मूले फार्मूली लिख देता हूं फार्मूले। क्या क्या आपके पास जिसे मान लो, पहला फार्मूला सबको पता होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला सबको आता होगा, क्या होता है ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक दूसरा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर तीसरा फार्मूला, बस आपको बस वही ना इलेवेंथ का रिवाइज करा रहा हूं इसलिए सारी बातें आपके सामने लिख रहा हूं, ए प्लस बी का होल क्यूब होल स्क्वायर फार्मूला जानते हैं इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं उसको। ये होता है आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ए प्लस बी, या कई बार थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर हो जाता है, ए माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी ए माइनस बी। फिर चौथे नंबर पे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू टाइम ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हो जाता है। बात समझ में आ रही है? पांचवें फार्मूला और बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसकी वैल्यू हो जाती है वन बाय टू, ये आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ब्रैकेट में बंद। कहने का मतलब ये है ना, क्यों ऐसा लिखा हूं मैं, इंपॉर्टेंट क्यों बताया हूं, देखो ये भी होल स्क्वायर ये भी होल स्क्वायर ये भी होल स्क्वायर, मतलब ये हमेशा कैसे है ऑलवेज कैसा है ऑलवेज पॉजिटिव है, यानी ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो है। कैसा है? कब? ए बराबर बी बराबर सी होते ही ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। जबकि ऐसे लिखा हो तो हमको देख पाना थोड़ा मुश्किल है कि इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, देख पाना थोड़ा सा मुश्किल है। छठे नंबर पे आते हैं, छठे नंबर पे जैसे मान लो लिखा है आपके सामने कि ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी, इसका फार्मूला क्या होगा? तो मैं लिख देता हूं फार्मूला क्या होगा, देखो ए स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी और यहां पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। जब आप सॉल्व करोगे तो आपके सामने निकल के आएगा फार्मूला, जरा समय और आपके सामने इस फार्मूले का और इंपॉर्टेंस महत्व समझा देता हूं आपको कि क्या ये फार्मूला रखता है, क्या मायने रखता है ये फार्मूला। जैसे देखो हमने छठे नंबर का फार्मूला क्या लिखा था, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी इज इक्वल टू, हमने लिखा ए प्लस बी प्लस सी और ये आपका हो गया ए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये बात अपने पास आ गई है। अगर देखो यहां पे एक बात है, इफ अगर कभी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो हो जाए देन क्या आप यहां से ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी की वैल्यू जीरो हो जाएगी क्या? और इसके जीरो होने का मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू थ्री ए बी सी। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला आया ये, कब ये कब होगा? जब जब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो होगा। सुनो बात सुनना ध्यान से, क्या है कि अगर तीन चीजों का क्यूब
तीन चीजों का क्यूब, तीन चीजों का अलग अलग क्यूब उनके 3 times से मल्टीप्लाई हो जाएगा अगर उन तीनों का सम 0 हो जाए तो। मतलब कभी आपके सामने ऐसे आ गया कि बहुत बहुत भारी भरकम 3 number का ब्रैकेट का क्यूब पूछ रहा है, 3 भारी भरकम कुछ ऐसे लिखा है, यहाँ पे log लिखा हो, यहाँ पे कुछ a+b लिखा हो, यहाँ पे कुछ और लिखा हो, इनके क्यूब का सम पूछ रहा हो और आप क्यूब कैसे मान लो, यहाँ पे लिखा a-b, यहाँ पे b-c, यहाँ पे c-a, ठीक है, और इनका क्यूब का सम पूछ रहा हो और हम तीनों के होल क्यूब को ओपन करना थोड़ा कठिन लग रहा हो, मुश्किल लग रहा हो, तो क्या करेंगे इस केस में, देन अगर कभी ये पूछे आपसे, ये कभी पूछे, यहां पे मैंने लिखा आस्क मतलब पूछे, तो फर्स्ट आप चेक करें, फर्स्ट चेक सम आप इन तीनों ब्रैकेट का सम प्लस इन तीनों ब्रैकेट का सम, क्या ये 0 हो रहा है क्या, अगर ये संभव हो गया, अगर ये 0 हो गया, एस है इस पे, आपका जवाब एस है कि हाँ सर 0 हो गया, देन आपके लिए चीजें इतनी आसान हो गई कि दिस ब्रैकेट का क्यूब प्लस दिस ब्रैकेट का क्यूब प्लस दिस ब्रैकेट का क्यूब इक्वल टू 3, पहला ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट, तीसरा ब्रैकेट, तीनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो। सर जी ज्यादा मजा नहीं आया, समझ नहीं आया, अगर ज्यादा मजा नहीं आया तो देखो एक सवाल, क्योंकि आपके दिमाग में कंफ्यूजन चालू हो गया होगा कि सर जी ये क्या ब्रैकेट वगैरह आ गया यहाँ पे, देखो फटाफट एक सवाल आपके सामने देता हूँ, जैसे आपसे कोई सवाल कहता है कि बताओ a-b का होल क्यूब प्लस b-c का होल क्यूब प्लस c-a का होल क्यूब, क्या है लो बताओ, तो आप इसके सामने ये तीनों का होल क्यूब खोल के ओपन करके मल्टीप्लाई करना स्टार्ट, जोड़ना स्टार्ट करोगे, फिर कुछ कटेगा पीटेगा, फिर आप देखोगे जो बचेगा उसका आप कुछ लिखने का, फिर उसको समेटने की कोशिश करोगे, या फिर अगर ये तीनों बड़ा है तो पहले मैंने क्या कहा कि चेक कर लेना कि ये वाला ब्रैकेट a-b प्लस दूसरा वाला ब्रैकेट b-a प्लस तीसरा वाला ब्रैकेट c-a इसकी वैल्यू कितनी हो रही है, तो देखो a से a कटा, बी से बी कटा, सी से सी कट गया, 0 हो गया, और 0 होते ही आपको चमक जाना चाहिए फटाफट कि अरे ये तो 0 हो गया, मतलब ये तीनों ब्रैकेट का, ये a क्यूब b-c का होल क्यूब c-a का होल क्यूब 3 times a-b b-c c-a, मतलब बच्चों बात समझ में आई, इस पे और सवाल कराऊंगा और प्रैक्टिस करवाऊंगा आपसे, तो ये सामने आपके सामने फटाफट चमक जाना चाहिए कि ये तो इसके बराबर हो जाएगा और आप इसको ओपन करके फाइनली सॉल्व करोगे तो यही बात निकल के आएगी। और इस पे अपन लोग करते हैं, ये तो आपका हो गया फार्मूला, आई थिंक ये हमारी 9th या 10th नंबर की थी, ये 11th नंबर पे आते हैं, 11th नंबर की बात आपने सामने ये है, अभी तक हमने फार्मूले तक कुछ पढ़ लिया, 11th नंबर मान लो कि क्लास 11th हमने फिर से पढ़ा होगा इनइक्वालिटी के बारे में, किसके बारे में पढ़ा होगा, इनइक्वालिटी के बारे में, तो थोड़ा सा इनइक्वालिटी के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं, इनइक्वालिटी रूल क्या नियम होती है इनइक्वालिटी का, इस पे ज्यादा हम यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे आपको, मैं यहाँ पे कम से कम टाइम में यहाँ पे करें क्योंकि आपने 11th में काफी चीजें इसके बारे में पढ़ लिया है, पर फिर भी देखते हैं कि क्या रूल होती है। जैसे पहला रूल इसका क्या कहता है ना, पहला रूल कि सबसे पहले इक्वेशन को आप फैक्टराइज करें, सबसे पहले इक्वेशन को आप फैक्टराइज करें, क्या करें तो फैक्टराइज गिवेन इक्वेशन एंड मेक ऑल एक्स पॉजिटिव, मतलब जो भी एक्स होंगे पॉजिटिव। अगर इसके लिए कई बार आपके सामने एक और बात मैं लिख देता हूं कि मैं सभी एक्स जब आप पॉजिटिव बना रहे होंगे तो ऐसा हो सकता है कि इसके लिए हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा होगा या माइनस कॉमन लेना पड़ रहा होगा, तो अगर इफ We multiply negative number to inequality, then sign of inequality change हो जाएगी, ठीक है, और if multiply by plus positive number तो कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज
तो उस केस में कोई चेंज नहीं होगा, ये अपने को ध्यान देना है पहला बात। सेकेंड नंबर की बात क्या कहता है, जब आपने उसको फैक्टराइज कर लिया तो इसके बाद ये कहता है कि गेट वैल्यू ऑफ, चूंकि मैं यहां पे x लिखूंगा क्योंकि x तो मैं मान रहा हूं कि सवाल इक्वेशन x में होगा, अगर t में होगा तो वैल्यू ऑफ t, तो गेट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम ईच ब्रैकेट, जब आप करोगे ना तो हर एक एक ब्रैकेट बनेगा और उस ब्रैकेट से आप x की वैल्यू ले लें फ्रॉम ईच ब्रैकेट, ठीक है, हर ब्रैकेट से आप x की वैल्यू निकाल लें एंड अरेंज देम आर नंबर लाइन, अरेंज देम आर नंबर लाइन, उनको कहां पे अरेंज कर देना है बच्चों, अपने को नंबर लाइन पे अरेंज करना है एंड अरेंज देम ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे अरेंज करने का मतलब ये हुआ आपका अरेंज, अच्छा किस अरेंज दे नंबर लाइन पे अरेंज करेंगे, मतलब आप बढ़ते हुए या घटते हुए किसी एक क्रम में अरेंज करेंगे, अरेंज करने के बाद तीसरे नंबर के बाद तीसरे नंबर पे मैं बात आता हूं। देखो मैं यहीं पे रेशनल इनइक्वालिटी की बात इंट्रोड्यूस यहां पे नहीं कर रहा हूं, मैं आगे कहीं पे रेशनल इनइक्वालिटी की बात भी इंट्रोड्यूस करूं, अभी मैं आपके सब सामने बस सिंपल चीजें लिख रहा हूं, अरेंज देम फिर पुट पॉजिटिव साइन राइट मोस्ट साइड, राइट मोस्ट साइड एंड 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 चेंज साइन फॉर ऑड पावर ब्रैकेट, ठीक है, ये तो कहने की बात हो गई ऑड पावर ब्रैकेट, फिर सातवें एंड फॉर इवन पावर ब्रैकेट सेम साइन मेंटेन। अब आप जरा ये वाली जो बात है ना, ये उतना मजा नहीं आएगा लिख के, ये तो तभी मजा आएगा जब हम करेंगे इसको तो। लेकिन चौथे नंबर की बात क्या कहता है, चौथे नंबर की बात ये कहता है कि टेक या चूज पॉजिटिव साइन वैल्यू फॉर greater than or equal to zero and choose negative या take negative sign value for less than or equal to zero। बात समझ में आ रही है, इतना ही काम करना है। जरा सवालों पे आते हैं, सवालों पे ज्यादा चीजें अपने को क्लियर समझ में आएगी। जैसे सवाल के थ्रू अगर हम बात करें, जैसे मान लो मैंने कहा सवाल में सबसे पहले छोटा सवाल लेता हूं, जैसे मैंने लिखा x² 3x² - 5x + 3 + 2 = 0, आपको बताना है ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, तो कह रहा है कि फाइंड x या सॉल्व फॉर x। अगर ये निकालना है तो सबसे पहला काम मैंने कहा क्या, सबसे पहला काम फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करो 3x² - 3x - 2x + 2 > 0, यहां से 3x कॉमन कर लिया x-1 बच गया, -1 कॉमन कर लिया x-1 बच गया = 0, यहां से आपका x-1 आ गया, यहां से x - 3x - 1 आ गया = 0। इतना आने के बाद इक्वल टू जीरो क्यों, ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। इसके बाद हमने क्या कहा कि पहले ही लाइन में है कि आपका क्या कहा, एंड मेक ऑल एक्स पॉजिटिव, जरा देखो क्या एक्स से पहले पॉजिटिव साइन लगा है क्या, तो एक्स से पहले पॉजिटिव साइन है, यहां भी एक्स से इस ब्रैकेट में भी एक्स से पहले पॉजिटिव साइन है, तो क्या करेंगे बच्चों, इसके बाद मैंने लिखा कि गेट ऑल वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम ईच ब्रैकेट, इस ब्रैकेट से एक्स की वैल्यू मिला 1, यानी हम पूछेंगे कि भैया आप एक्स कितना अपनी वैल्यू दे रहे हो, इससे पूछेंगे भैया आप अपनी वैल्यू कितना दे रहे हो, ये पता करने के लिए हम यहां से x-1 = 0 पुट कर देंगे, x = 1 मिल जाएगा, यहां से 3x - 1 = 0 पुट कर देंगे, x = 1/3 मिल जाएगा, और इसको नंबर लाइन पे अरेंज करने के लिए मैंने बोल रखा है, तो नंबर लाइन पे अरेंज करेंगे, पहले 1/3 आता है, उसके बाद आपका 1 आता है, मतलब 1 जो है 1/3 से बड़ा है। इधर फिर आपसे कहा गया कि सबसे राइट मोस्ट साइड पे, देखो अगली बात लिखा गया कि राइट मोस्ट साइड पे पॉजिटिव साइन लगाओ, फिर आप पीछे आओगे ना, आप देखो ये चौथी जो बात यहां पे लिखी गई है, थर्ड वाली, ये थर्ड वाली बात को समझने का टाइम आ गया,
वो होता है ना कि अपना टाइम, सबका टाइम आएगा, तो इसका भी टाइम आ गया। क्या आया कि अब इस बात को समझना है। इसमें आपके सामने एक और ये वाली बात लिखी थी, इस बात का यहां पे कोई मतलब नहीं हुआ क्योंकि हमने किसी चीज से मल्टीप्लाई किया ही नहीं। तो यहां पे अब तीसरे नंबर की बात को समझने का टाइम ये आया है कि कहा है कि पुट पॉजिटिव साइन राइट मोस्ट साइड, हमने वहां पे राइट मोस्ट साइड में पॉजिटिव लिख दिया। अब कह रहा है चेंज साइन फॉर ऑड पावर। अब कहोगे सर क्यों, कहां चेंज करें? देखो भाई क्लियर सी बात है, राइट मोस्ट साइड पॉजिटिव रख दिया, अब पीछे आना चालू करेंगे। पीछे आएंगे, जिससे मुलाकात होगी उससे उसका हालचाल खोज खबर लेंगे, उससे उसकी जिससे मुलाकात होगी, यही एक कर्टसी होता है, एक मैनर है, वेल बिहेव्ड है ये, कि आप वेल बिहेवियर है कि आप पीछे आएंगे, जिससे मुलाकात होगी उसका उसका हाल चाल लेंगे। जैसे आप पीछे आए, आपकी मुलाकात वन से हुई, आपने वन से पूछा क्या सब खैरियत है, यानी कहां से आप आए हैं, तो ये पूछ बताएगा कि मैं इस ब्रैकेट से आया हूं, एक्स माइनस वन से आया हूं। अच्छा आपका जो है घर इस ब्रैकेट, यानी इस ये ब्रैकेट है, आप इसका धीरे से इसकी डिग्री देख लोगे, पावर देख लोगे, पावर मिला वन, वन देखोगे अरे ये तो ऑड है, यहां पे डिग्री ऑड डिग्री है, मतलब प्लस का आपने माइनस लगा दिया, उसको पता भी नहीं चला आपने माइनस लगा भी दिया। अच्छा फिर आप पीछे आए वन बाय थ्री, फिर आपकी मुलाकात हुई, पूछा किसी ने आपसे पूछा भैया कहां से आया क्या हालचाल, इसने बताया कि हम इस ब्रैकेट से आए, आपने फिर इसकी डिग्री देखा, डिग्री वन ऑड, आपको समझ आया कि इसकी डिग्री ऑड है, आपने निगेटिव को पॉजिटिव कर दिया। यही तो सवाल कह रहा था, इसके बाद यही तो बस कह रहा था आखिरी में। अब यहां आखिरी में यह बोला है कि चूज पॉजिटिव साइन, क्या बोला है, चूज पॉजिटिव साइन वैल्यू फॉर ग्रेटर या ग्रेटर देन के लिए, और निगेटिव साइन वैल्यू फॉर लेस या लेस देन आर इक्वल टू के लिए। अब देखो यहां पे हम अब रोल आया इसका, अब इसको देखा हमने कि ये पॉजिटिव लिखा हुआ है, तो पॉजिटिव साइन वाली वैल्यू चूज करेंगे। देखो अब इसी को आगे, इसी को बहुत सारी जगह पे वेवी कर्व मेथड भी नाम दिया गया है कि ये होता है क्योंकि वेव की तरह बन रहा है, तो इसी को बोला जाता है वेवी कर्व मेथड भी, और बहुत ही फेमस है ये, चलता है नाम से ज्यादा, इसके अपने काम से जाना जाता है, ये नाम से लोग कम, इसके काम से ज्यादा जानते हैं, मतलब ये करना कैसे वो सब लोग जानते हैं। पॉजिटिव साइन को अच्छा ये इक्वल टू लगा है तो हम पहले ही डिसाइड कर देंगे कि इन दोनों को लेना है, इक्वल टू लगा है तो हम डिसाइड कर देंगे कि इन दोनों को लेना है अपना, ये इधर सबसे लास्ट में माइनस इन्फिनिटी होता है, सबसे आगे प्लस इन्फिनिटी होता है, तो माइनस इनफाइनाइट से वन बाय थ्री तक चला गया है, लेना है इंक्लूड यूनियन, लिखने का तरीका यहां से वन से आज तक जाएगा इनफाइनाइट तक, ये आपका पूरा तरीका हुआ। बात समझ में आ रही है, इस पर कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तब तक और कुछ क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस करेंगे। आओ